दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहाँ हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स टावर चौक अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी माउंट, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी माउंट आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बालापुर रोड अकोला। सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाखा मरी स्क्वायर दुर्गा चौक अकोला। अब न लंच की फिक्र न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट खंडेलवाल भवन के सामने अकोला। बायोलॉजी क्लास टी बायोलॉजी क्लासेस मार्केट अकोला। परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMV परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन क्रैकर्स, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किटकी पार्टी या हो गेट टुगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन क्रैकर्स, अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड शेगांव बाईपास अकोला। फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, पाइए मोटापे से छुटकारा, ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और फैट से हो जाइए फिट। सभी तरह के डॉक्टर रविंद्र तेलकर इनका मुक्ताई हॉस्पिटल, जहां लेजर द्वारा पाइल्स फिशर फिस्टुला पाइलोनेडल साइनस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुक्ताई हॉस्पिटल तिलक पार्क के पास बिरला रोड रामदास पीच। राम जन्मोत्सव होगा अधिक भव्य और दिव्य, पत्रकार परिषद में जानकारी। 50% शास्ति माफ का कल अंतिम दिन। पूर्णा अकोला विशेष गाड़ी बनी नियमित एक्सप्रेस। और पुरोहित संघ की सभा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। गांधी चौक में विगत कई वर्षों से रामनवमी के पर्व पर श्री राम जन्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के साए की वजह से ये उत्सव नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वर्ष इस राम जन्मोत्सव को और अधिक भव्य और दिव्य रूप से मनाने का मानस श्री राम उत्सव समिति और मातृशक्ति महिला मंडल की ओर से एक पत्रकार परिषद के माध्यम से व्यक्त किया गया। इस बार तिरुपति बालाजी की झांकी अकोला में साकार की जाएगी। इतना ही नहीं, उत्सव में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी श्री रामोत्सव समिति के सर्व सेवाधिकारी श्री भरत मिश्रा इन्होंने पत्रकार परिषद में दी। गांधी चौक स्थित कार्यालय में हुई पत्रकार परिषद में विदर्भ चेम्बर के अध्यक्ष श्री नितिन खंडेलवाल जी, संयोजिका राजश्री शर्मा की उपस्थिति रही। पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए आकाश ठाकुर, गोविंद शर्मा, शिवदमन शुक्ला, भूषण इंदौरिया, पंकज कागलीवाल, राधेश्याम शर्मा, राम अन्ना गड्डम, श्याम पचौरी, विष्णु वर्मा, भाविका मिश्रा, रेवती जोशी, सरला शर्मा, कीर्ति नवलकार, ममता शर्मा, रेणु मिश्रा, कीर्ति शर्मा समेत सभी कार्यकर्ता प्रयासरत रहे। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को गांधी चौक में राम दरबार की स्थापना की जाएगी। 10 अप्रैल को 51 हनुमत शक्ति का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न महिला मंडलों की ओर से आरती भी की जाएगी, जबकि रामनवमी के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को 1500 किलो के भव्य महाप्रसाद से महाआरती की जाएगी। 4 तथा 5 अप्रैल की शाम 5 बजे घनघोर घाट में महिलाओं मंडल की ओर से मातृशक्तियों को 5100 हनुमत शक्तियों का वितरण किया जाएगा। मुख्य समारोह 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन आयोजित रहेगा, जिसमें दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जबकि देर शाम उपस्थित महिला मंडलों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में राम भक्त बड़ी संख्या में शामिल हो और सभी कोविड-19 का पालन करें, इस तरह की अपील आयोजकों की ओर से की गई है। आने वाले 10 तारीख को राम जन्मभूमि का जो उत्सव है,
उस दिन यहाँ पे गांधी चौक के ऊपर बहुत बड़े प्रमाण से पिछले 12 साल से उत्सव समिति मना रही है और हर साल की तरह इस बार भी एक नवी झांकी के साथ में पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर सवेरे 12 बजे राम उत्सव मनाया जाएगा, जन्म मनाया जाएगा और शाम में 7 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा और इस तरीके के 51,000 हनुमान शक्ति का वाटप सभी लोगों को किया जाएगा जो सिद्ध करके लेके आई हनुमानगढ़ी से, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सहभागी होना चाहिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके अंदर युवकों ने, सभी समाज के युवकों ने सहभाग होके राम जन्मोत्सव के बारे में जानकारी भी लेना चाहिए और सब लोगों को कराना भी चाहिए, ऐसा मैं आयोजन समिति से आह्वान करता हूँ। जय श्री राम। आने वाले रामनवमी के उत्सव को ध्यान में रखते हुए राम उत्सव समिति ने जैसा हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसी प्रकार के आयोजन करने का निश्चय किया है। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय नितिन भाव खंडेलवाल एवं सभी साथियों के साथ में बैठकर हमने तय किया कि इस वर्ष भी हम धूमधाम से रामनवमी मनाएंगे और रामनवमी का जो उत्सव है ये लगभग 5 दिन हमारे यहाँ चलता है। दिनांक 5 से लेके तो 6, 7, 8, 9, 10 ये पाँच दिन विविध कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम यहाँ लिया हर साल लेते हैं। और सबसे बड़ी विशेषकर बात ऐसी है कि इस कार्यक्रम में कोई भी राजकीय पहलू इसको नहीं रहता है, सिर्फ राम भक्त और राम भक्तों का मेलावा, बस इतनी इसकी पहचान है। और दोस्तों, मैं और एक बात इस आपके माध्यम से, लोकप्रिय चैनल सिटी जंक्शन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा अकोला ये एकदम शांतिप्रिय गांव है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस प्रकार के धार्मिक उत्सव में सहभाग लेकर और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए हमको अपने सन त्यौहार मनाने का है। हमको सरकार को सारा सहयोग करते हुए हम ये कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं जिसमें 51,000 हनुमान शक्ति जो हनुमानगढ़ से अयोध्या से लक्ष्मणदास जी महाराज के द्वारा सिद्ध की हुई है वो यहाँ लाई हुई है, जिसके अंदर एक पंचमुखी रुद्राक्ष है। वो रुद्राक्ष हमारे मन चित्त सभी को शांत करता है, हमारा पावर मनोबल बढ़ाता है, हमारा यानी बहुत सारे हमारे लिए बहुत अच्छा उसका शुभ संकेत है। तो ये सभी ने धारण करना चाहिए, ऐसा मैं इस आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 तारीख के दिन सुबह राम जन्म में और शाम को महाआरती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में आए, ऐसी मैं आपके अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में 203 करोड़ का लक्ष्य सामने रखते हुए कर विभाग ने 79 करोड़ तक की वसूली की है, लेकिन अभी भी 125 करोड़ के करीब बकाया रकम वसूली जानी बाकी है। वसूली अधिक से अधिक हो और संपत्ति धारकों को शास्ति में रियायत का अवसर मिले, इसलिए मनपा की ओर से 31 मार्च तक शास्ति में 50% रियायत देने की योजना चलाई गई, जिसके लिए अब केवल एक ही दिन बचा है। 31 मार्च से पूर्व वर्तमान और बकाया संपत्ति कर का एक मुश्त भुगतान करने पर 50% शास्ति माफ होगी। 1 अप्रैल से शास्ति पर सिर्फ 25% ही रियायत मिल पाएगी। मनपा की ओर से 3 किश्तों में संपत्ति का कर भुगतान की सुविधा की गई है। योजना के तहत भुगतान का ये अंतिम मौका है क्योंकि 1 मई से शास्ति अभय योजना पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बाद में संपत्ति धारकों को ब्याज समेत टैक्स का भुगतान करना ही पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 07573 07574 अकोला पूर्णा अकोला, ये विशेष गाड़ी 1 अप्रैल 2022 से नियमित एक्सप्रेस बनकर नए क्रमांक से दौड़ेगी, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 को गाड़ी संख्या 07573 ये विशेष गाड़ी नियमित एक्सप्रेस बनकर अकोला से पूर्णा के बीच 17683 इस नए क्रमांक से दौड़ेगी, जबकि 1 अप्रैल 2022 से गाड़ी संख्या 07574 ये विशेष गाड़ी नियमित एक्सप्रेस बनकर पूर्णा से अकोला के बीच इस नए क्रमांक से 17684 इस नंबर से दौड़ेगी। कृपया यात्रीगण इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ही सफर करें, इस तरह का आह्वान किया गया है। सरकारी बगीचा में अकोला पौरोहित्य संघ की सभा शनिवार 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्र घट स्थापना मुहूर्त को लेकर संपन्न हुई। महाराष्ट्रीयन पंचांग, सम्राट पंचांग, निर्णय सिंधु,
रुद्रयामल, व्रतराज इत्यादि प्रमुख ग्रंथों का आधार लेकर अकोला पौरोहित्य संघ द्वारा चैत्र नवरात्र के विविध मुहूर्त तय किए गए। शास्त्र आज्ञा अनुसार देवी नवरात्र घट स्थापना में चित्रा नक्षत्र वैधृति योग का त्याग करने पर ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति में भगवान शिव के प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में ही घट की स्थापना की जा सकती है। अंततः अभिजीत मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल शनिवार को दोपहर 12:02 से 12:50 तक। वैधृति योग सुबह 8:29 से आरंभ होकर दिन भर रहेगा, अंततः शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में सुबह 7:48 से 8:29 तक। इसके अलावा सामाजिक रीति रिवाजों को कुल परंपराओं के अनुसार भी घट स्थापना की जा सकती है, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। सभा में सर्वश्री पंडित श्याम सुंदर अवस्थी, गौरव व्यास, राजू सिरोलिया, रमेश अडिचवाल, प्रमोद तिवारी, विमल व्यास एवं पंडित रवि कुमार शर्मा उपस्थित थे। अकोला शहर तथा जिले में 15 मार्च से तेज धूप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलवार 29 मार्च को इस माह का सबसे अधिक 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आज भी नागरिक लू के थपेड़ों से परेशान रहे। इस बीच मौसम विभाग ने 2 अप्रैल तक लू का कहर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। हीटवेव के कहर के बीच मंगलवार को तापमान ने 43 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर दिया। अभी मार्च माह खत्म भी नहीं हुआ और ऐसे में सूरज के ये तेवर आने वाले दिनों में और उग्र होने की संभावना है। अकोला में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 15 दिनों से अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इस कारण दोपहर के समय नागरिकों को गर्मी और तेज धूप की वजह से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक शीत पेयों का सहारा ले रहे हैं, वहीं आवश्यक कामों से बाहर निकलने के लिए नागरिक छांव का सहारा ढूंढते नजर आए। अप्रैल माह के पिछले अगर 10 सालों के रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो सन 2019 में 29 अप्रैल को सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और पिछले 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि आमतौर पर अप्रैल माह में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहता है, वहीं न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन इस वर्ष मार्च माह में अंत में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी माउन, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी माउन, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाखा मरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिक्र, न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। बायोलॉजी क्लास टीम फिनिश विद फ्यूचर बायोलॉजी क्लासेस, डांगरी मार्केट, अकोला। एम बी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एम बी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन कैटर्स, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किटकी पार्टी या हो गेट टूगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन कैटर्स, अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड, शेगांव बाईपास, अकोला। फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, पाइए मोटापे से छुटकारा, ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और फैट से हो जाइए फिट। सभी तरह के डॉक्टर रविंद्र तेलकर इनका मुक्ताई हॉस्पिटल, जहां लेजर द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल, साइनस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुक्ताई हॉस्पिटल तिलक पार्क के पास, बिरला रोड, रामदास पीठ। राम जन्मोत्सव होगा अधिक भव्य और दिव्य, पत्रकार परिषद में जानकारी। 50% शास्ति माफ का कल अंतिम दिन।
पूर्णा अकोला विशेष गाड़ी बनी नियमित एक्सप्रेस और पुरोहित संघ की सभा संपन्न। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।